हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रीति। तो फ्रेंड, आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ और ये है शिव महापुराण समर्पण कथा का, और ये हो रहा है अमलेश्वर महादेव घाट छत्तीसगढ़ रायपुर में। तो फर्स्ट डे मैं वहाँ गई थी और बहुत ही अच्छा लगा था। मैं शुरू से नहीं बना सकी, ये मैं पंडाल के अंदर पहुंची तब का है, क्योंकि उस दिन इन बहुत ही ज़्यादा भीड़ था और मेरे ध्यान से उतर गया। मैं शुरू से स्टार्ट नहीं कर पाई ब्लॉग, तो फिर जब वहाँ गई तब मैंने वहीं से चालू किया। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी आए थे कथा सुनाने के लिए। और आप देख सकते हैं, हमें पंडाल में सबसे पीछे जगह मिली। और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ इतनी भीड़ थी और इतनी तेज़ धूप में फ्रेंड इतने लोग आए थे सुनने के लिए, और सुन के बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ कथा सुन के बहुत ही आनंद आया। तो धूप के कारण गर्मी भी बहुत थी, एक तो नवतपा चल रहा है जिसके कारण तपन वाली गर्मी थी, लेकिन वहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी हुई थी जिसके कारण जो पंडाल में मेन पंडाल में बैठे थे वहाँ पर उतना एहसास नहीं हुआ गर्मी का। लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, जो बाहरी बैठे होंगे उन लोग को बहुत गर्मी लग रही होगी फ्रेंड। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर कथा सुनाई महाराज जी ने, और ये सीहोर वाले बाबा जी की कथा मैंने आज पहली बार सुनी फ्रेंड, और वाकई सुन के एकदम मन प्रसन्न हो गया और जितने भी मन में गलत भावना थी सब दूर हो गई और बहुत ही अच्छा लगा, मन को सुकून मिला। भोले बाबा, मैं आप सबके लिए यही प्रार्थना करूंगी कि भोले बाबा आप सब पर भी कृपा बनाए रखें और सबके दुख दूर करें। जितने भी वहाँ लोग आए थे ये इतना अच्छा, और जो भी वहाँ पर्ची निकलती है इतने अच्छे अच्छे, ये उन लोग के भाव भावना से ऐसा लगा कि भोले सबके कष्ट दूर करें। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी फ्रेंड और जितने भी वीडियो ये लोग देखेंगे, मैं सभी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि भोले बाबा जैसे सबका दुख दूर करते हैं, वैसे ही आप सबके भी दुख दूर करें और अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। और फ्रेंड, आगे मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगी और यहीं पर वीडियो का वॉइस ओवर एंड करती हूँ, और आगे आप सब देखिए वहाँ के पंडाल का नज़ारा बहुत ही सुंदर था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आगे शेयर कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में। आशीष के संगीत होंगे।
कितने बता रहे थे हमारे बीच में साथी सोमिया माँ पधारी हुई है, भले क्या करो समाज जवान को बता रहे नागेश्वर पीठ से स्वामी गोपमानंद जी महाराज की जो की आजीवन निराहार संत है, बड़े ही आदर समाज से मंच बना रहे, साथ में खंडेलवाल परिवार एवं साहू परिवार के सदस्य कौन खारून नदी है महादेव।